यू मैंने वो अंकित भैयानपुरिया की स्टोरी देखी देखी वो मोदी जी तक पहुंच गए और यू नो वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी इंस्पायर कर गई तो मैंने बोला कि यार जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो मैंने 15 नवंबर 2023 को मेरा फर्स्ट रील मतलब मेरा अकाउंट भी तभी बना शायद और मेरी फर्स्ट रील तभी गई सिक्स मंथ्स लगे मुझे एवरी डे हमने कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई किए है जिसके वजह से विद इन जस्ट सिक्स मंथ्स एग्जैक्टली छः महीने के बाद मेरे वन मिलियन वो भी पूरे तरीके से ऑर्गेनिकली मैंने उनमें मिस्टेक्स ये फाइंड आउट की है कि वो लोग हमेशा एक चीज को पकड़ के चलते और सोचते कि नहीं यार मैं फैशन के बारे में बात करूंगा तो मैं फैशन के बारे में ही लाइफ टाइम बात करते रहूँगा या मैं इसके बारे में बात करूंगा तो इसके बारे में ही करता रहूंगा जबकि ऐसा नहीं है uh -huh. मेन अगर मैं चीज बताऊं तो हमने एक हिडन फार्मूला यूज किया दैट इज एसएसजी डायरेक्ट सवाल इफ यू डोंट माइंड कितना टर्नओवर है टोटल सभी सब कुछ मिला के uh, सर ऐसे टर्नओवर तो अच्छा खासा हो रहा है बट फिर भी मतलब आप लास्ट ईयर का अगर देख लो तो आराम से थर्टीन फोर्टीन सी के आसपास खाली आ, मेरे खुद के मैंने कभी ये नहीं था यार, अभी एक रील जो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ वो एक रील बनाने के लिए कोई तीन चार लाख रूपया भी दे देगा क्या मैंने ये कभी सोचा नहीं था लेकिन हम कंसिस्टेंटली काम करते गए करते गए करते गए और आज ही लेवल तक पहुंच गए इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी व्हाई आर यू स्टिल मनी नमस्कार दोस्तों मैं भूपेंद्र सिंह राठौर और और आप सभी का स्वागत है 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 मेरे YouTube चैनल पे एंड आज मैं मैं आपको एक एक से 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 चाहता हूं। जिनको मैं जानता तो एक साल से हूं। और एक दिन अचानक से मेरी टीम ने कहा कहा ये ये सर गेस्ट गेस्ट को हमें बुलाना है। मैंने कहा, कौन है गेस्ट? इनका वीडियो बताइएगा तो दोस्त well दोस्तों आइए बिना किसी डिले के स्वागत करते हैं वन एंड ओनली मिस्टर विरल साकिया का कैसे हैं विरल जी शानदार शानदार थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर बहुत अच्छा लग रहा है पे आके आपको लड़कियों की तरफ बातें छुपाना कब से आ गया <laughs> <laughs> बस देखो 11 लाख लोगों ने तो देख लिया शायद आप तक पहुंचा नहीं <laughs> क्या बात है यू you नो know, मैं इसलिए ये सवाल किया क्योंकि यू you नो know, कहते हैं ना कि कई लोगों के पेट में बात नहीं पसती है स्पेशली यू नो गर्ल्स प्लीज बुरा मत मानिएगा माफी चाहूंगा आप सभी से लेकिन कहते हैं कि लड़कियों के पेट में बात नहीं पसती और विरल भाई जो है

लेकिन फिर मैंने कहीं कहीं स्टोरीज़ देखी लोगों की कि यार इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ छोटी छोटी रील्स बना करके लोग यू नो मैंने वो अंकित भैयानपुरिया की स्टोरी देखी थी कि वो मोदी जी तक पहुंच गए और यू नो वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी इंस्पायर कर गई तो मैंने बोला कि यार जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो मैंने 15 नवंबर 2023 को मेरा फर्स्ट रील मतलब मेरा अकाउंट भी तभी, तभी बना शायद और मेरी फर्स्ट रील तभी गई सिक्स मंथ्स लगे मुझे एवरी डे हमने कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई की है जिसके वजह से विद इन जस्ट सिक्स मंथ्स एग्जैक्टली छः महीने के बाद मेरे वन मिलियन वो भी पूरे तरीके से ऑर्गेनिकली हमारे ऑडियंस बन गई फॉलोवर्स बन गए Uh, देखो स्ट्रैटेजीज वाइज तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट uh, रूल नहीं है कि हमें यही करना है अगर हम इंस्टाग्राम का ऑब्वियसली आप भी कर रहे हो और जितने भी हमें लोग देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम को तो देखेंगे तो उसमें कोई ऐसे फिक्स ऐसे सारी चीज़ें नहीं है कि हमें यही करना है वही करना है मैंने अगर आप मेरी रील का भी देखोगे तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की है स्टार्टिंग uh, मैंने चालू किया था तभी शायद मोटिवेशन के बारे में बात करना चालू किया फिर मैंने देखा कि लोगों का अट्रैक्शन क्या है देखो मेन क्या होता है बहुत सारे इंस्टाग्राम के यू नो जो फॉलोअर्स है वो मुझे भी देखते हैं मेरे भी कोचिंग में हैं तो एक मैंने उनमें मिस्टेक्स ये फाइंड आउट की हैं कि वो लोग हमेशा एक चीज को पकड़ के चलते और सोचते कि नहीं यार मैं फैशन के बारे में बात करूंगा तो मैं फैशन के बारे में ही लाइफ टाइम बात करते रहूंगा या मैं इसके बारे में बात करूंगा तो इसके बारे में ही करता रहूंगा जबकि ऐसा नहीं है Instagram पे आपको देखना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए जो चाहिए उसी को और एनालाइज करना जरूरी है आप अगर मेरे वीडियोस में देखोगे तो 180 डेज मैंने जो कंटिन्यू वीडियोस अपलोड किए उसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो एक्सपेरिमेंट हुए उसे और एनालाइज करते गए कि हाँ यार इसमें क्या अच्छा हो गया उसमें क्या अच्छा हो गया और बस उसी को हम कंटिन्यू करते गए और सबसे मेन अगर मैं चीज़ बताऊँ तो हमने एक हिडन फॉर्मूला यूज़ किया दैट इज एस एस जी ये फॉर्मूला सस्ता एस एस जी दैट इज़ स्टार्ट सिंपल एंड घटिया और उसमें सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन ये था ना मतलब ये आई थिंक आपसे भी मैंने एक बार सुना था आपके प्रोग्राम में मैं जब भी आया था कि मैंने क्या किया था मेरे ऑफिस पे एक नोटिस बोर्ड है आप आए थे मेरे ऑफिस पे आपको पता है तो मैंने वहाँ पर एक सौ की नोट लगा दी थी और मैंने खुद को एक कमिटमेंट uh, दे दिया था कि जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा जिस दिन मैं खुद वीडियो को अपलोड नहीं करूँगा उस दिन मैं वो सौ की नोट को अपने हाथ से फाड़ दूंगा मतलब लोग बोलते क्या यार फाड़ते क्यों हो यार किसी को दे दो डोनेट कर दो लेकिन वो वो डोनेट करने से जो हैप्पीनेस मिलता है है वो, वो पेन नहीं देता है। जबकि हुआ मुझे बहुत पेन हुआ एक आध नो you know, बहुत पेन हुआ सच में पेन हुआ लेकिन वो कहीं कहीं ना कहीं अंदर से वो बूस्ट मिल गया कि नहीं भाई करना है कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई की और हम ये लेवल तक वेल डन वीरत जी मैं मतलब सच में कहना चाहूंगा मतलब मेरी कम्युनिटी में और मेरे से सीखने वाले कई लोग आए और पता नहीं क्यों मतलब सब कुछ सिखाने के बाद सब कुछ बोलने के बाद पूरा मोटिवेशन देने के बाद कई कई लोग पाँच साल से सीख रहे हैं उसके बाद भी कई लोग तो शुरू भी नहीं कर पाते हैं यू नो फट अबाउट रीचिंग टू वन मिलियन यू आर द फर्स्ट वन जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ जिसका मुझे भी नहीं पता था एंड uh, जिन्होंने ना सिर्फ स्टार्ट किया इतना जबरदस्त तरीके से उसको आगे किया एंड रियली कमेंडेबल सर मुझे ये बताइए बिजनेस की जर्नी आपकी तेरह साल की रही है और प्राइड uh, कंप्यूटर्स के नाम से एक बहुत ही बड़ा ब्रांड आपने खड़ा कर दिया है दोस्तों विरल जी के करीब uh, पंद्रह से ज्यादा सेंटर्स हैं पंद्रह से ज्यादा सेंटर्स हैं और फ्रेंचाइजीज कितनी हैं 187 187 बिजनेस फ्रेंचाइजीज हैं पंद्रह से ज्यादा उनके खुद के सेंटर्स हैं और 187 फ्रेंचाइजीज हैं दोस्तों इट्स अ ह्यूज बिजनेस तो मैं पहला तो एक डायरेक्ट सवाल इफ़ यू डोंट माइंड कितना टर्नओवर है टोटल सभी सब कुछ मिला के uh, सर ऐसे टर्नओवर तो अच्छा खासा हो रहा है बट फिर भी मतलब आप लास्ट ईयर का अगर देख लो तो आराम से थर्टीन फोर्टीन सीआर के आसपास खाली आ, मेरे खुद के फ्रेंचाइजी से हो रहा है पंद्रह आपके खुद के से सेंटर से, से, से हो रहा है, है। बाकी फ्रेंचाइजी इनकम रॉयल्टी इनकम वो सारी चीजें अलग है इनक्रेडिबल सो so, इस पूरी जर्नी में आपने कौन कौन से पेन फेस किए कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए देखो चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं जिसमें सबसे पहला चैलेंज तो अगर हम देखें तो हमारे खुद के होते हैं एज ए बिजनेसमैन एज एंटरप्रीनियर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की है तो मैं बहुत बार देखता हूँ ना कि आज बहुत सारे बिजनेस को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको जाना कहाँ है मतलब लाइक यू नो वो विजन क्लियर होना या गोल क्लियर होना या मुझे मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो क्लियर नहीं होता है शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर लेते लेकिन एक लेवल के बाद वो रुक जाते हैं तो ये चैलेंज मेरे साथ हुआ था मैंने कहीं पर से सीखा था कि हाँ यार ऐसे ऐसे करके एक ब्रांच खोल सकते हैं तो मैंने एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा यू you नो know, करते गया 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 करते करते लेकिन एक पॉइंट के बाद आके मैं मैं खुद स्टक हो गया। hmm. कि यार क्यों कर रहा हूं मैं ये सब ठीक है अभी मेरी जो जो जरूरत थी घर सब गाड़ी सब सब पूरे हो गए तो अभी क्यों कर रहा हूँ hmm. तो ये एक चैलेंज जो पर्सनल लेवल पे मैंने फेस किया था जो शायद बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए हमारे पास एक एम होना चाहिए अगर नहीं है तो खुद से बैठ के वो गोल बोर्ड बनाना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये लेवल तक पहुंचना है ये अगर आपके पास गोल नहीं है आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो आप कहीं नहीं जाओगे नहीं। फिर नहीं। वो वही होगा लाइक ना वो बिजनेस के अंदर काम करने वाली चीज हो जाएगी करे, करे। कि बस वो आदत पड़ गई है तो रोज जाके खुद ही शटर खोलो खुद ही बंद करो खुद ही काम करो और क्यों कर रहे हो तो बस मैं घर बैठूंगा तो क्या करूंगा इसलिए मैं दुकान आ रहा हूं ऐसा है कि मैं भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूं मैंने कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं एन आई टी सेंटर ये वो जावा सी सी प्लस प्लस बहुत सारी चीजें की लेकिन मैंने बहुत मतलब रेयरली ऐसा कंप्यूटर सेंटर देखा है जिसने अपनी ब्रांचेस को जो बड़ी ब्रांड थी एन आई आई टी एपटेक उनको छोड़ के ऐसा रेयरली कोई कंप्यूटर सेंटर वाला देखा है जिन्होंने अपनी एक सौ अस्सी के आसपास ब्रांचेस खोल दिए हाउ डू यू मैनेज दीज एक सौ अस्सी ब्रांचेस इनको मैनेज करने में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं इनको मैनेज करते समय कौन कौन सी लर्निंग एक्स्ट्रा आपको ही है या सो लर्निंग तो बहुत सारी मिलती है एवरी डे कुछ ना कुछ नया चीज सिखा के जाता है हमारा hmm. ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी लेकिन एक लर्निंग मुझे सबसे बड़ी मिली है कि आ,

अच्छे टीम मेंबर को देखना चालू किया टीम को काम डेलीगेट करना चालू किया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें टीम को रखना है लोग लो उसे एक्सपेंस मानते हैं लेकिन अगर एक अच्छे टीम मेंबर को हायर करते हो तो ये एक्सपेंस नहीं है है।, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। है। आप उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप उनको अच्छा पे दे रहे हो उनको कंफर्ट दे रहे हो उनकी सारी चीजें दे रहे हो उनको hmm. ट्रेनिंग दे रहे हो क्योंकि hmm. उनको आप जैसा बनने के लिए या आपकी कंपनी को खुद का समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा यू कैनोट एक्सपेक्ट कि आज मैंने किसी को हायर किया और कल से वो आपकी कंपनी को ग्रो करना चालू कर देगा तो ये सारी चीज़ें मैं करते गया। मैंने अच्छे अच्छे टीम मेंबर्स को हायर किया उनके लिए डिफाइन किए रोल्स आप जैसे ट्रेनर्स के साथ मैंने बहुत सारी गाइडेंस ली आपने बहुत सारा अच्छा गाइड किया कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो हमने उस तरीके से उनके के आर वगैरह बनाए और काम डेलीगेट करना चालू किया Wonderful. तो टीम हायरिंग अच्छे टीम हायरिंग उनको ट्रेनिंग कंटिन्यूस बेसिस पे वो सबसे मेन की फैक्टर है हमारे ग्रोथ का पांच चीजें जो हायरिंग के समय आप ध्यान रखते हो सबसे पहली बात तो मैं कभी भी आ, आज क्वालिफिकेशन के बेस पे हायर करता नहीं हूं क्योंकि पहले एक टाइम था जहां पर लोग डिग्री देखते थे और आज मैं भी ये सारी चीजों को मानता हूं कि लाइक पहले एक टाइम था जब आप कोई इंटरव्यू में जाओगे पूछा जाता था कि आप पढ़ाई क्या करके आए हो लेकिन आज मैं भी बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि जब आप लेट से फॉर एक्जाम्पल कॉमर्स ग्रेजुएट हो और आप किसी कंपनी में चाहते हो कि मैंने अकाउंट्स में हंड्रेड में से हंड्रेड स्कोर कर लिया है hmm. तो कोई इंटरव्यूअर आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई यू you know वो गोल्डन रूल्स क्या है या वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज असेट्स में क्या क्या चीजें आती है पहली बात उनका वही होता है कि भाई तुझे मेरी कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करने को जमेगा मतलब टैली आता है क्या ग्राफिक्स आता है क्या मेरा वो काम कर पाएगा क्या तो हमेशा मैं ये चीज़ देखता हूँ कि सबसे पहला उनका स्किल सेट क्या है एजुकेशन बैकग्राउंड मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है स्किल सेट में सबसे पहले देखता हूँ स्किल सेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका माइंड वो काम करना चाहते तो क्या वो सच में नीडी है Hmm. अगर वो नीडी है उसको पैसे की जरूरत है तो वो लॉन्ग टर्म काम करेगा ट्रू अगर पैसे की जरूरत नहीं है खाली वो घर के प्रेशर की वजह से आ रहा है घर पे सारी मौज मस्ती सब कुछ है तो वो थोड़े महीने काम करेगा बाद में सोचेगा कि अरे नहीं ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो ये दो चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है करेक्ट तीसरी जो ऑब्वियसली डे वन पे इंटरव्यू के राउंड पे हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन हम फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो टीम के साथ काम करने के लिए कैपेबल है या नहीं है करेक्ट जब हम टीम के साथ उनको असाइन करते हैं और एक पॉलिसी मैं मेरी कंपनी में यूज करता हूं मैं किसी भी पर्सन को फर्स्ट डे पे परमानेंट नहीं करता हूँ hmm. पहले उनको फर्स्ट मंथ प्रोबेशन प्रोबेशन पीरियड रहता है आप हमें समझ लो हम आपको समझेंगे फर्स्ट मंथ के बाद में आपको एक चांस दिया जाएगा आपकी अगले एक महीने की जितनी भी सैलरी है आपको एडवांस में दी जाएगी hmm. आपको अगर कंपनी छोड़नी है तो अभी छोड़ के चले जाऊँ Wow. तो वो चांस देने से क्या होता है कि उसके इंट्यूशन पता चल जाते हैं कि हाँ यार उसके पास तो ऑप्शन है लेके वो निकल सकता था लेकिन hmm. अगर वो नहीं जा रहा है तो इट मीनस वो कंपनी को कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहता है और, और वो चीज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं काम लगती है hmm. एक और चीज हम uh, मेरी कंपनी में इम्पलीमेंट करते हैं दैट इज जो जूनियर लेवल के स्टाफ होते हैं या जो टीचर्स होते हैं यू यू नो कैन से जो प्रोफेसर है उनको हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे ही सर्कल में से आए मतलब हमारे ही प्रीवियस बैच के कोई टॉपर्स रहेंगे जो छः महीने एक साल से हम उन्हें जानते हैं Correct. हम उन्हें हायर करने की ट्राई करेंगे रादर किसी बाहर वाले पर्सन को लाने के लिए क्यों क्योंकि वो पिछले छह महीने सात महीने से हमारे साथ टच में है तो वो हमारे साथ भी अपनी बोलता हूँ यार अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो लेकिन यू नो लोग क्वेश्चन करते हैं सर हम तो मैनुफेक्चर है हमें क्या जरूरत है सर हम तो शेयर मार्केट के ट्रेडर है हमें क्या जरूरत है एंड आप देखिए कंप्यूटर सेंटर चलाते चलाते कम्युनिकेशन के बेस पे आज आपके मिलियंस में फॉलोवर हो गए सो so, कुछ बिजनेसमैन को ना ऐसी कड़ी एडवाइस दे दीजिए जो उनके सर पे लगे दिल पे लगे एंड वो भी कम्युनिकेशन में बादशाह बने या yeah.

बुक लिख रहा हूँ फॉर पर्सनल ब्रांडिंग फॉर बिजनेस ओनर ये बिजनेस ओनर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कितना जरूरी है तो जैसे आपने करेक्टली बताया कि भले वो मैन्युफैक्चरर है भले वो रिटेलर है भले वो किसी भी बिजनेस में है

अगर जो उनका को फाउंडर है या जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है अगर उसका पर्सनल ब्रांड है लाइक बढ़ाए फॉर एग्जाम्पल जो बात हुआ हमारा की बोट कंपनी का ग्रोथ hmm. पहले एक लेवल पे हो रहा था लेकिन जिस दिन से अमन गुप्ता शार्क टैंक में आए उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग पे नाम करना चालू किया यू नो टेलीविजन पे आना चालू किया तो उनकी ब्रांड को और रिकॉग्निशन मिला True. और कंपनी को उससे भी सौ गुना ज्यादा स्पीड से वो ग्रो कर पाए तो एक पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है और वो तभी आएगी जब आप कैमरा के सामने अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे और अगेन सेम फॉर्मूला एस एस जी स्टार्ट सिंपल घटिया आपको जो आपको ये नहीं सोचना है hmm. कि मैं कैसा बोलूंगा तो कैसा लगेगा क्या लगेगा आप बस बोलना चालू करो जो चीज आती है और आप किसी भी टॉप क्रिएटर को देखो बहुत सारे लोगों को मन में डर रहता है कि अरे नहीं कैमरा में कैसा दिखूंगा मेरा बैकग्राउंड कैसा दिखेगा hmm. मैं मेरे पास अच्छा कैमरा होगा मेरे पास अच्छा माइक होगा तो ही मैं बोलना चालू करूंगा वी कॉल इट एज उन लोग को एक बीमारी है ये ये बीमारी मुझे भी थी टू ट्वेंटी में आई गेस मुझे सब कुछ पता था मुझे पता था मैं आपको देख रहा था कि आप यू नो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कितना अच्छे से ग्रो कर रहे हो मैं दूसरे यू नो स्पीकर्स को देख रहा था कि वो कितना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं मुझे पता था कि इंटरनेट का यू नो पावर क्या है लेकिन मैं खुद को वो एक्सक्यूज़ दे रहा था कि नहीं यार इंडिया में तो ये सारी चीज़ें नहीं चलती है ऑनलाइन ऑनलाइन इतना नहीं चलेगा मैं तो अपने ही बिजनेस में रहूंगा ये गलती मैंने की थी ट्रो टू थाउजेंड में मैंने बोला कि नहीं ये परफेक्ट होने की बीमारी से मुझे निकलना है इनफैक्ट मैं कल ही अपना एक पुराना वीडियो देख रहा था 2019 का जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था और हमारी एडिटिंग उसमें इतनी घटिया थी <laughs> मतलब मैं इतना बैकग्राउंड पीला चेहरे पे लाइट नहीं होने के कारण वो चेहरा इतना काला लग रहा और हमने वो वीडियो डाल भी दिया और उसपे तीन लाख चार लाख व्यूज भी थे एंड दैट वाज अमेजिंग ऐसे ही शुरू होता है इनफैक्ट पुराने वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है

मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप परफेक्ट हो जाओगे परफेक्ट तो कोई है नहीं लेकिन फिर भी आप आज जहाँ हो उससे दोस्तों मैं हमेशा बिजनेसमैन को एक एडवाइस दो बिजनेस में टेक्नोलॉजी के बारे में कई लोगों को सिखा सकते हो लेकिन आज की डेट में मैं बोलता हूँ एक बिजनेसमैन को तीन बिजनेस में मिन, मिनिमम होना चाहिए पहला आपका मेन बिजनेस दूसरा आपका ट्रेनिंग बिजनेस क्योंकि आप लोगों को यंगस्टर्स को कई लोगों को गाइड कर सकते हो और तीसरा बिजनेस है वो है सोशल मीडिया का बिजनेस

राइट एंड आई नो कि यू आर बिजी तो आप आ, हमारे सात दिन के रिट्रीट में भी वहां पे आपके काफी सारे फ्रेंचाइजीज ओपन हो रहे थे तो दो तीन दिन रुक पाए आपकी पूरी टीम सेवन डेज रुकी इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी व्हाई आर यू स्टिल लर्निंग एंड वेस्टिंग योर मनी सर ये अब तो आप खुद भी सिखा रहे हो <laughs> सर ये वेस्टिंग नहीं है मैं मैं अगेन ये बोलता हूँ बहुत बार मेरे प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ कि सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद True. मतलब जिस दिन अगर आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे तो सब कुछ आता है hmm. उस दिन आप समझ जाओ कि आपकी ग्रोथ होने वाली hmm. है क्योंकि कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो आपको नहीं आती है जो दूसरों को आती है Correct. तो मैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूँ इनफैक्ट आज की तारीख में हर एवरी मंथ में एक फिक्स बजट रखता हूँ कि मुझे इतना रुपया ट्रेनिंग ट्रेनिंग में लगाना ही है क्योंकि मुझे खुद को नई नई चीजें सीखनी है इसी जर्नी में आज मैंने इंस्टाग्राम चालू किया और इसी जर्नी में आगे मैं पॉडकास्टिंग चालू कर रहा हूँ मैं शेयर मार्केट के फील्ड में जाने वाला हूँ मैं मल्टीपल फील्ड्स को कैप्चर कर रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे वो फील्ड के बारे में सीखना है hmm. तो हमेशा मैं भी वही है मैंने मैं मेरी टीम को आपके पास से लेके आया क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम अटेंड करके देखा कि वो सेल्स की जो टेक्निक्स आपके पास है जिस तरीके से आप सिखाते हो लोगों को वो अगर मेरी टीम के अंदर वन परसेंट भी अगर चेंज ला पाए True. तो वो मल्टीपल मेरे सारे ब्रांच पे हो जाएगा तो दैट विल गिव मी कंपाउंडिंग इफेक्ट दैट्स अमेजिंग मैं जितने भी सजे हुए सधे हुए बिजनेसमैन से मिला मिलाऊँ जिनके पास लाइक like, बहुत सिस्टम्स हैं पॉलिसीज़ हैं वो सभी ने अच्छा सीखा है अदरवाइज दे के नॉट रियली ग्रो तो विरल जी जैसे आप जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एक साथ कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रेशर आ सकता है वो है टाइम का प्रेशर क्योंकि हाँ. टीम भी हैंडल करनी है पॉडकास्टिंग भी करनी है अभी वीडियोस भी बनाने हैं साथ साथ में अपनी फ्रेंचाइजीज भी खोलनी है उनके इनोग्रेशन भी हैं फिर ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है उसका भी बजट है हाउ डू यू मैनेज योर टाइम सर टाइम मैनेजमेंट में तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि लाइक मैं अपने शेड्यूलिंग दो दिन पहले से कर लेता हूँ हर दो शेड्यूल के बीच में मैं गैप रखता हूँ बफरिंग टाइम के लिए तो? और मैंने पर्टिकुलरली एक पर्सन को उसके लिए हायर करके रखा है जो मेरा सिर्फ शेड्यूल संभालते हैं अपॉइंटमेंट्स लेना उनको कंफर्मेशन लेना वहाँ पर लॉजिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें संभालनी तो ये एक चीज़ है जो मैंने पहले से डिसिप्लिन में रखी है पहले बहुत इमेज हमारा होता था कि यार ये काम करने जाएंगे उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा तो दूसरा कमिटमेंट डी ले हो जाएगा True. तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए एक पर्सन मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ शेड्यूल मेंटेन करने के लिए रखा है और आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स एंड ऑल सारी चीजें दे देती है तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई टाइम और मेरे जो अलग अलग बिजनेस है उसके लिए मैंने कुछ डेज फिक्स कर लिए है कि ये दो दिन सिर्फ ये बिजनेस को देखेंगे ये दो दिन सिर्फ ये बिजनेस को देखेंगे तो उस तरीके से कहीं ना कहीं हम टाइम को अलॉट कर पा रहे हैं wow, uh, तो दोस्तों देखिए समय लिमिटेड होता है चाहे वो दस करोड़ कमाने वाला व्यक्ति हो चाहे एक करोड़ कमाने वाला हो चाहे दस हज़ार कमाने वाला हो चाहे एक हज़ार कमाने वाला हो चाहे नालायक हो <laughs> और चाहे अरबपति हो और उसी समय में पोटेंशियल आपको निकालनी होती हैल्स के बारे में आपका क्या थाट है बिकॉज मुझे सेल्स का सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगता है आई लव टीचिंग सेल्स टॉकिंग अबाउट सेल्स एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में इससे ज्यादा बड़ा टूल क्योंकि मैं तो जब तक सेल्स में नहीं आया तब तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा था जब सेल्स करने लगा

अचीव किया तो मैंने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई की है वो स्ट्रेटेजीज अगर मैं किसी को सिखा करके उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ तो मैं अपना प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ की भाई तू इधर उधर स्ट्रगल कर रहा तू आगे बढ़ जा तेरा ग्रोथ हो जाएगा तुझे एक राइट ट्रैक मिल जाएगा Absolutely. तो अगर मैं उससे डरूंगा कि अरे नहीं यार बेचना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो वो कहीं ना कहीं मैं उसके साथ अनजस्टिस कर रहा हूं। जो बेचने वाला वाला होता है 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 उसी को डर लगता लगता यार हाँ. मेरे से खरीदेगा की नहीं खरीदे मुझे खरीदने तो बैठा है खरीदने के लिए।, लिए उसको तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए विरल जी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम चलते हैं कई बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छा करते हैं और फिर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं किसी भी कारण से चाहे कोविड के कारण गिरे हों और उस समय वो बड़े नेगेटिव हो जाते हैं उनको लगता है कि कैसे काम होगा यार ये मेरे साथ कैसे हो गया ऐसे बिजनेसमैन को आप क्या सलाह देते हैं और क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा समय आया जब आप ऊपर थे और एकदम से नीचे गिर गए हो और फिर उस समय क्या किया या एब्सोल्युटली कोविड का टाइम जो शायद हर बिजनेसमैन को इम्पैक्ट किया है वो टाइम पे ऐसा था कि हमारा बिज़नेस बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा था इनफैक्ट mm -hmm. कुछ हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं अप्लाई की थी जिसके वजह से एकदम पिक टाइम था हमारे बिजनेस का लेकिन अचानक से कोविड आ गया नो वन हैव एक्सपेक्टेड कि वो एकदम डाउनफॉल पर चला जाएगा बट स्टिल एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी सिखाई है इनफैक्ट आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने सीखी थी ग्रेटिट्यूड आपके पास जो है अगर आप उसको अप्रीशिएट करना चालू कर दोगे आप उसे आसपास देखने लगोगे क्योंकि आज हमारे जैसे ऐसे लाखों हजारों लोग रहेंगे जिनके पास वो सारी फैसिलिटीज भी नहीं है जो हमारे पास है ट्रू हम उसे ना देख करके हम उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे जो हमारे पास नहीं है तो शायद no. वो कभी यू you नो know, हम खुद को ही दुखी कर रहे हैं वही चीज चीज अगर मैं जो मेरे पास है उसको मैं अप्रीशिएट करना चालू करूँ एवरी खुद को दू तो मेरा मेंटल स्टेट डेवलप होते जाएगा जो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव मुझे लेके जाएगा आगे तो जैसे सुबह आप जितने बजे उठ जाते हैं मेरा रूटीन टाइम अराउंड साढ़े आठ नौ के आसपास मैं उठता हूँ थोड़ा लेट नाइट में जागने की आदत है इसके लिए पांच बजे उठने लग जाओ आप आपकी सक्सेस तीन गुना हो जाएगी ये मेरा वादा है आपको आई नो विरल जी मुंबई की लाइफ है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाती है बहुत लेट नाइट वहां मुंबई कभी सोता नहीं है करेक्ट uh, बस आई uh, नो आपने कई बार मुझसे सुना है ये बात नहीं आज, आज मैं कहता हूँ ये एक छोटा चेंज मेरे कहने पे सिर्फ तीन महीने लाओ करेक्ट एंड मैं वादा करता हूँ आपका सक्सेस तीन गुना ज्यादा हो जाएगा ट्रू ट्रू नहीं हंड्रेड परसेंट मैं ये चीज इंप्लीमेंट ये सवाल मैं पॉडकास्ट में नहीं रखूंगा लेकिन ये हमारा <laughs> ऑफ द ट्रैक है नहीं हंड्रेड मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा बल्कि क्या होता है क्रिएटिव पर्सन जितने भी लोग शायद हमारे इसे देखते रहेंगे उन लोगों को ये चीज पता रहेगी कि ज्यादातर जो क्रिएटिविटी वाला काम है वो थोड़ा शांत माहौल में, में होता है तो या तो वो अर्ली मॉर्निंग फाइव टू ए सेवन में कर सकते हैं या तो फिर लेट नाइट ट्वेल्व टू 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 थर्टी तक हम मेरा प्रिफरेड प्रिफर्ड टाइम ये रहता है कि मैं लेट इवनिंग या थोड़ा मिडनाइट के टाइम पे वो सारे शूट्स रिकॉर्ड या कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें लेट नाइट करता हूँ अब विरल जी आपके कई सारे स्टूडेंट्स आते होंगे और जो कि आपसे सीख रहे हैं कंप्यूटर सीख रहे हैं इन्फ्लुसिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीख रहे हैं मुझे ये बताइए कि जैसे इनमें से कई लोग बहुत सीखने के बाद भी ना तो स्टार्ट कर पाते हैं और स्टार्ट भी कर देते हैं तो एक डिसिप्लिन नहीं रख पाते डिसिप्लिन uh, रख लेते हैं तो uh, कहीं ना कहीं पैसा नहीं कमा पाते मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस uh, शो में अगले दो तीन मिनट या पाँच मिनट भी अगर आप लेना चाहें आई रियली वॉन्ट यू टू गाइड ऑल दीज यंगस्टर्स की क्या वो करें एग्जैक्टली आई नो दैट आपने बताया कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज देखो किसका है। लेकिन फिर भी ये कंसिस्टेंसी वाला मैटर है कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होते हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वीडियो गेम बाइकिंग colorful life life and all this so i want you to share your insight with all the youngsters and even businessmen ki kaise wo bahut highest level pe jaye uh, apart from what we have already spoken अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप कहीं नहीं जा पाओगे तो इसीलिए मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत बार बोलता हूँ fact मुझे कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं मेरे बिजनेस आइडियाज की सीरीज चलती रहती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप मुझे बताओ कौन सा बिजनेस करना अच्छा है True. जो बिजनेस आप बोलोगे वो कर लूंगा मैं उसको बोलता हूँ बिजनेस तो सारे अच्छे हैं आप मुझे बताओ आपको कौन सा करना है hmm. मैं ये क्यों पूछता हूं? क्योंकि लोगों के मन में वो जो चेक करने का पैरामीटर्स रहता है hmm. कि भाई कौन सा बिजनेस अच्छा है वो चेक करने का पैरामीटर्स रहता है कि किस में ज्यादा पैसा कमाने मिलता है ओके मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ जब भी मैं उनको प्लेसमेंट्स के लिए भी भेजता हूँ कंपनीज में जो मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेन करके जब भी कंपनीज में जाते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या तो मैं इंस्टाग्राम के ऑडियंस को भी जब भी बोलता हूँ कि आप चैनल चालू कर रहे हो या बिजनेस चालू कर रहे हो तो दे जस्ट जज कि हाँ यार पैसा कौन सी फील्ड में ज़्यादा है ना मुझे वो बताओ मैं वो फील्ड में जाता हूँ विच इज़ नॉट ट्रू ऐसा नहीं होना true. चाहिए सबसे पहली बात तो यह है कि देखो पैसा हर फील्ड में है hmm. आज बहुत सारे लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं रीजन ये है कि वो लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो उसमें कितना पैसा है ये बिजनेस करूंगा तो उसमें कितना पैसा है आप वो चीज मत देखो आप हमेशा यही चीज देखो कि मुझे क्या काम करना पसंद है अगर आज मेरे कोई स्टूडेंट को मैं कंपनी में भेजता हूं प्लेसमेंट्स के लिए भी और अगर उसको अकाउंटिंग पसंद है और वो बोलेगा नहीं नहीं आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग वीडियो एडिटिंग का दौर ज़्यादा चल रहा है मैं वो सीखता हूँ कंपनी में वो लेके जाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि तो, उसका पैशन नहीं है कहीं कही ना कहीं उसको वो अंदर से उसकी आवाज़ नहीं आ रही है सेम वे इंस्टाग्राम में भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कोकोपीट का बिजनेस करूँ या ये क्रॉक्स का बिज़नेस करूँ या ये यू नो ट्री का बिज़नेस करूँ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपको क्या काम करना पसंद, पसंद है अब वो चीज पहले देखो और अगर आपको जो काम पसंद है जो चीज में काम करना पसंद है अगर आपने उसी को अपना बिजनेस बना लिया तो बिलीव मी आप कभी थकोगे नहीं आप ट्वेंटी फोर आवर्स भी काम करोगे अगर किसी दिन तो भी आपको लाइक यू नो फ्रेश लगेगा क्योंकि जो चीज आपको पसंद है जैसे मुझे ट्रेनिंग देना पसंद है मुझे लोगों के सामने आके बात करना पसंद है अगर मुझे लाइक यू नो आठ आठ दस दस घंटा कोई स्टेज पे खड़ा कर दे आराम से घंटों बात कर सकते हैं क्योंकि हमें वो पसंद है जो हम कर रहे हैं तो अगेन एक ये पीस ऑफ एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर स्टार्ट स्टार्ट करना करना चाहते हो, करना चाहते हो हो कोई कोई भी भी बिजनेस या काम तो तो पहले तो find out करो आपको क्या पसंद है जो आपको पसंद है दैट इज मेन स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। Law of attraction पे आपका क्या कहना है, <laughs> like yeah, मेरा है ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन सेवर है Is to earn 10 crore. Yeah, hmm. और डेट के साथ एक, दो महीने से मेरा फोन का रखा हुआ है एक महीने के अंदर आपको ये करना है तीन महीना है अभी अच्छा तीन महीने के अंदर मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेकर के ये गोल अचीव करना है क्या बात है yes, so, uh, yes, ऐसे yes. कोई मेरे साथ जो हुए हैं

मैंने कभी ये नहीं सोचा था इंस्टाग्राम पे कि यार मैं कंसिस्टेंटली काम करते जाऊंगा तो एक मिलियन पहुंच जाएगा मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यार अभी एक रील जो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ वो एक रील बनाने के लिए कोई तीन चार लाख रुपया भी दे देगा क्या मैंने है। ये कभी सोचा नहीं था लेकिन हम कंसिस्टेंटली काम करते गए करते गए करते गए और आज ही लेवल तक पहुंच गए अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन अगेन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप एक्शन लेने वाले हो ना hmm. तो ये काम अच्छा है आपसे बाकी अगर आप खाली वो घर पे एक मर्सिडीज कार का फोटो लगा दो रोज सोचते रहो मुझे ये कार मिलेगा hmm. और तो कुछ नहीं उसके लिए काम ही नहीं करो तो होने नहीं वाला क्या? है वो एक्शन लेना और अगर आप एक्शन सच में लेना चाहते हो

कभी भी ये ना सोचे जैसे कि आज हम भी अच्छा सिखा रहे हैं लोगों को लेकिन हर महीने हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं कोर्सेज करते हैं कई लोग कहते हैं बी एस आर आप शेयर मार्केट भी कभी सिखा देते हो कभी आप ये सिखा देते हो इट्स नॉट कि मुझे शेयर मार्केट का कोई ट्रेडर बनना है और मुझे उसी के अंदर करियर बनाना है वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं जब आप सीखते हो तो आपका ब्रेन डेवलप होता है नंबर वन नंबर टू जब आप सीख के सिखाते हो तो जो चीज आप छह महीने में सीखने वाले हो ना एक महीने में सीख जाओगे तो ये मेरा फॉर्मूला है तो विरल जी भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं तीसरी चीज में आप सभी को विरल जी के बारे में बताऊंगा कि हमसे सीखे है भी है लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे लेवल पे खड़े हैं यू नो छ महीने के अंदर जो उनकी सक्सेस है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मुझे आज भी याद है आई डोंट नो वेदर यू डिड दैट एक्टिविटी और नॉट

चाहूंगा कि आप भी सिंसियर बने आगे बढ़े सीखें सिखाए सीखने से कोई छोटा नहीं होता एंड बिना सीखे कोई बड़ा नहीं होता वंडरफुल विरल so uh, जी अः uh, जाते जाते कुछ और ज्ञान के मोती जो आप बिखेर सकें आज थोड़ा समय कम है क्योंकि एक और प्रोग्राम है अदरवाइज बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में तो एनी एनी थिंग एनी वर्ड ऑफ विजडम जो कि छूट गया हो लोगों को देना और आपके लिए आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो या ऐसी कोई एडवाइस जो आपके आपको आपके पापा से आपके दादी माँ से या कोई बहुत बड़े मैंटोर से मिली हो जिसके कारण आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई हो तो ऐसे एडवाइस देने के लिए सर मैं इतना कोई बड़ा तो हूँ मतलब आपके पास नहीं। अगर कोई हर बिजनेस के लिए कि अगर आपके पास कोई अच्छी टीम है तो ही आप ग्रो कर पाओगे मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक जगह पर देखा था कि दो टाइप की लीडरशिप होती है एक रामायण जैसी एक महाभारत जैसी अगर आप रामायण के जैसे हो जिसमें सबसे बेस्ट प्लेयर आपकी टीम के आप ही हो मतलब दो टाइप से आप बिजनेस को लीड कर सकते हो श्री राम के जैसे आप हो सबसे बेस्ट प्लेयर आप हो तो आपकी सेना अगर वानरों की होगी तो भी तो आप, आप लोगे और एक दूसरा अप्रोच रहता है श्री कृष्णा जैसा महाभारत में जिसमें सबसे बेस्ट प्लेयर आप हो लेकिन आप नहीं काम कर रहे हो दूसरों के पास से करवा रहे हो तो आपको ये दोनों अप्रोच पहले तो चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए यू नो कौन सा अच्छा है और अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस को लेके जाना पड़ेगा तो यही चीज है आप टीम बिल्डिंग पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए टीम अगर काम अच्छे से करेगी तो आप क्योंकि अकेला इंसान यू नो नहीं पहुंच पाएगा ज्यादा दूर आपको सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा सच एनालॉजी nice मैंने कभी नहीं सुनी है आज आपके मुंह से ही पहली बार सुन रहा हूँ और इसमें मेरे को तीसरा एंगल भी आ रहा है दोनों हो तो बहुत ही बढ़िया है सबसे भी, भी बहुत तो। जबरदस्त हो और विरल जी जैसा लीडर भी हो जो श्रीराम की तरह लीड भी कर रहा हो तो दोनों चीजों में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो विरल जी आप ब्रांडिंग में बहुत पैसा खर्च करते हो और कई सारे बिजनेसमैन ब्रांडिंग में पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते वाई डू यू स्पेंड सो मच इन ब्रांडिंग मतलब आप पॉडकास्ट में भी जाते हो आप लोगों के साथ अवार्ड शोज वगैरह में भी जाते हो अपने कंपनी के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हो सो बेसिकली सर कैसा है मेरा मानने, मानने का तरीका कैसा है बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में फर्क क्या है हुँ. तो आज ब्रांडिंग पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो आपको अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा बहुत सारे बिजनेसमैन क्या होता है ये अगेन मिथ है मैं जितने भी एंट्रप्रीनोर्स के साथ बात करता हूँ तो वो हमेशा ना आउटकम के बारे में सोचते हैं कि आज अगर मैं दस हजार पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे कितनी इंक्वायरी आई hmm. या आज मैंने दो होर्डिंग मेरे लोकैलिटी में लगा लिए तो उससे मुझे कितनी इंक्वायरी आई दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ मार्केटिंग एक होता है मार्केटिंग जिसमें आज आप कर रहे हो और उससे आपको रिटर्न आ रहा है hmm. लेकिन अगर जिस दिन आपने मार्केटिंग बंद कर दी उस दिन शायद हो सकता है कि आपके कस्टमर ऊपर नीचे हो जाए तो हमेशा मेरा फोकस ये रहता है ब्रांडिंग पे जिसमें आप अपनी इमेज उतनी अच्छी बना लो आपकी इमेज इतने हाई लेवल पे लेके आओ जिससे आज तो आपको बिज़नेस मिले ही मिले लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म भी कंसिस्टेंटली मिलते रहे तो ब्रांडिंग अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनको अभी से स्टार्ट करना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें भी अगेन पर्सनल ब्रांडिंग करें अगर फाउंडर खुद अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका जो मिशन विजन का जो जो पर्पज़ है वो लोगों तक पहुंचता है और कहीं ना कहीं देखो प्रोडक्ट और सर्विस लोग आज प्रोडक्ट सर्विस नहीं खरीदते हैं लोग आपके विजन के साथ आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं hmm. आप जो काम करना चाहते हो लोग उसके लिए जुड़ना चाहते हैं so. तो अगर मैं अगर यू you नो know, सब लोगों को बोलता जाऊंगा कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूं आप मेरे साथ आ जाओ तो पीपल विल जॉइन विद मी नॉट बिकॉज अभी मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे आजू बाजू में हो सकता है कि प्राइज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा hmm. लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ रहेंगे क्यों क्योंकि मेरा उनका अलाइनमेंट सेम हो जाएगा मैं उनके

बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है आज करोड़ों रुपए का बिज़नेस है बहुत ही बड़ी टीम है हज़ारों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं एक चैन की जिंदगी जी रहे हैं एक मुस्कुराहट के साथ जी रहे हैं एंड यू नो वॉट ऐसे ही लोग दुनिया बदलते हैं आप भी अपनी दुनिया बदलना शुरू करें आप भी आगे बढ़ना शुरू करें और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इंसान चलता रहता है लगातार चलता रहता है एक मूवी का डायलॉग है कौन सी मूवी है जिसमें रणवीर सिंह होता है कि भाई अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलना शुरू करो आप चल नहीं सकते तो धीरे, धीरे धीरे चलना शुरू करो वो भी नहीं चल सकते घुटनों के बल चलो घुटनों के बल भी नहीं चल सकते तो रेंगना शुरू करो बट मूव करना जरूर याद रखो दोस्तों अगर सिक्स मारने की बॉल नहीं आ रही है तो फोर मारने की बॉल चौका मारने की बॉल आएगी चौका मारने की नहीं आ रही है तो डबल रन निकालो डबल नहीं निकल रहे हैं तो सिंगल निकालो सिंगल भी नहीं निकल रहे हैं तो एटलीस्ट विकेट बचा के खड़े रहो कोई ना कोई बॉल जरूर आएगी थैंक यू सो मच विरल जी फॉर कमिंग टू द स्टूडियो आई नो इट वॉज क्वाइट अ जर्नी कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू डेली एंड uh, बहुत आपने समय निकाला उसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद भगवान करे जब हम दोबारा मिले मुंबई में या दिल्ली में कहीं पे भी तब तक दो मिलियन फिर दस मिलियन और आपका दस करोड़ का टारगेट अक्टूबर से पहले जरूर पूरा हो जाए सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक like जरूर कर दीजिए सेव करके भी रख लीजिए इसमें छोटे छोटे ज्ञान के मोती हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगे थैंक यू सो मच वंस अगेन विरल जी फॉर कमिंग टू द स्टूडियो रियली अप्रिशिएट एंड भगवान करे बहुत जल्द दस मिलियन पे आप पहुंचे और हम भी आपके साथ साथ बहुत आगे बढ़े टेक केयर नमस्कार